उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी जिले के तराई इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ इस कदर हो गया है कि ग्रामीण रातों में लाठी डंडा लेकर अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। पूरा मामला जनपद के सिराथू तहसील क्षेत्र के सहजादपुर गांव का है। गांव की रहने वाली कमला देवी ने बताया कि शाम को उनका बेटा मवेशियों को चराने के बाद घर वापस लेने गया तो वहाँ पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें जानवर और उसके बेटे को चोट आई है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे, तब जाकर उसकी जान बची। इस घटना से ग्रामीणों के दिल में दहशत है। हालांकि कुछ दिन पहले मंझनपुर तहसील अंतर्गत खोजा गांव में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें एक मासूम सहित कई लोग घायल हो गए थे। इससे नाराज ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाबत वन विभाग के किसी भी अधिकारी ने अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक साथ हमारे ये हुआ कि शाम हो गई थी, वो बोला कि मम्मी चलो खेत घूम के आते हैं, बाजरा के खेत में जान ये गांव वाले जानवर खाए डालते हैं। तो ये बोला कि तू घर जा मम्मी, मैं हाँक के आता हूँ। और ये गया हाँकने तो वहाँ पे दो गाय चरती थी, वो जना भेड़िया था वो रपट रहा इसके पास। जब ये रपटा तो पंजा मार दिया पेट में, एक हाथ से ये उसको पकड़ लिया, एक हाथ इसका भेड़िया का। और उसके बाद खाही के बगल में एक थूनी गड़ी थी, थूनी को उखाड़ के ये नचाने लगा था। तो वह डर के आगे पीछे अकेले भेड़िया था, इधर उधर करने लगा। उसके बाद ये गांव की तरफ भागा, गांव के लोग जब कौशाम्बी से जनमत न्यूज़ के लिए राहुल भट्ट की रिपोर्ट।